सासू माँ के श्री चरणों में इस धर्म की बेटी का प्रणाम है। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है लाडो। कहे सासू माँ, आज आप कैसे यहाँ आई हैं? आज यहाँ पे एक बहुत जरूरी कार्य से आए हो, लेकिन हिम्मत नहीं होती किन किन शब्दों में मैं तुझे बताऊं। हे माँ, इतनी झिझकने की जरूरत आपको नहीं है, कृपया खुल के बताएं कि क्या बात है, और अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। आपको यहाँ हैरान होने की आखिर क्या जरूरत थी? काम ही कुछ ऐसा है लाडो, जिसके कारण मुझे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आना पड़ा। तो बताएं सासू माँ। आज हमारे दरबारों में दो साधु आए हैं। हाँ। और उन साधुओं के साथ में कई रोज का भूखा एक शेर भी है। जी। उन संतों ने तेरे ससुर से वचन भरवा कर धोखे से हमारे इकलौते पुत्र को दान में मांग लिया। क्या? हाँ। लेकिन माँ, मेरा पति कोई वस्तु नहीं है जिसे दान में दिया जा सके, ये कैसी बात आप कर रही हैं? ये जानते हुए कि मेरे पति इस कुल के इकलौते वारिस है, फिर भी उनका दान? क्योंकि उन्होंने पहले वचन भरवा लिए थे, उसके बाद संतों ने मांगा है। अगर वचन भरवाने से पहले ही बता देते कि हमें आपका इकलौता पुत्र दान में चाहिए, तो हम अपने पुत्र को कभी दान में नहीं देते। अच्छा, लेकिन लाडो मजबूर है, मजबूर है। सुने मेरी बात। कही ओ मत जुलम करे मेरी सास, नाश खुद घर का करे ना चाहे, मत जुलम करे मेरी सास, नाश खुद घर का करे ना चाहे, मत जुलम करे। चाहते कोन्या हाँ। ना दौलत जागीर मांगे, शेर ने जिमावन खतर क्या बेटे का शरीर मांगे, ओ शेर ने जिमावन खतर बेटे का शरीर मांगे। साधु के बहकना झोली भीख घाल दो, अच्छा हो के राजी शेर खावे बकरा ला के डाल दो, क्या इतने ते भी न माने तो धक्का दे निकाल दो, इतने ते भी न माने तो धक्का दे निकाल दो। ओ, ये तो ढोंगी फिरे री फकीर चीर के जुलम करे मेरी सास, नरक दानवीर जी, धर्म ना टिकाया करते गरियाए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते, गरियाए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते, बेटे न मरवा के माता ग
घर की बन जावेगी ठेक, हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख हो घर बैठी बाहू री जवान निशान लख Your love.